नमस्कार दोस्तों, आपने वो सीसीटीवी फुटेज देखा होगा कि किस तरह से वो शख्स, इरफान नाम का वो शख्स, उस 7 साल की बच्ची को ले जा रहा है और उसके बाद उसके साथ जो जघन्य अपराध होता है, जिसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। आप और हम सब के लिए मानो इतने छोटे उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार मानो हर हिंदुस्तानी की जिंदगी की एक हकीकत बन गया है। हम किस रसातल में जा रहे हैं? और जब दुनिया पलट कर यह कहती है कि भारत दुनिया में औरतों के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित है, तो हम में से कुछ लोगों को इस बात का बुरा लगता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, बुरा क्यों लगता है आपको? बुरा क्यों लगता है? क्योंकि आपको बाकायदा आईना दिखा रही है घटनाएं, आईना दिखा रही है घटनाएं। और आप जानते हैं, मंदसौर में जो बलात्कार हुआ है, उसके बाद कम से कम एक बात को लेकर मुझे राहत है कि उसके पक्ष में, उस जानवर के पक्ष में किसी ने रैली नहीं निकाली, किसी ने उसके पक्ष में रैली नहीं निकाली, किसी ने उसके पक्ष में बयानात नहीं दिए। शुक्र है इस बात का, क्योंकि मेरा देश कलंकित हो चुका था जब कठुआ में एक मासूम के साथ बलात्कार होता है और फिर एक पॉलिटिकल पार्टी के दो रहनुमा, दो मंत्री, बीजेपी के दो मंत्री उसके समर्थन में रैली करते हैं। ना सिर्फ उसके समर्थन में रैली की जाती है दोस्तों, बल्कि एक फॉल्स नैरेटिव, एक झूठा प्रोपेगेंडा पेश किया जाता है कि साहब बलात्कार तो हुआ ही नहीं उस मासूम का, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को झूठा पेश किया जाता है दोस्तों। और आप जानते हैं कि उस झूठ का पर्दाफाश हमने एबीपी न्यूज में किया था, क्योंकि इस तरह का पाप तो किसी ने नहीं किया कि आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक को गलत ढंग से पेश करें, आरोपियों के पक्ष में रैलियां निकालें। और ये कैसा हिंदुस्तान है? मुझे शुक्र है, मुझे खुशी है इस बात की कि मंदसौर में मुसलमान औरतें बाहर आईं और उन्होंने कहा कि इस आदमी को फांसी की सजा दी जाए। जी हां, यह मेरा मानना है कि बलात्कारी का मजहब नहीं होता, मगर हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमारा आक्रोश इस बात पर निर्भर करता है कि बलात्कारी का मजहब क्या है, क्या पीड़ित का मजहब क्या है। जो लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि साहब कठुआ में तो आपने कवरेज की थी, मंदसौर पर क्यों नहीं कर रहे हैं, गलत बात है। मैं लगातार मंदसौर में आवाज उठा रहा हूं, मगर मैं उन लोगों की राजनीतिक साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा जो इसके जरिए सियासत करना चाहते हैं, सियासत करना चाहते हैं। सबसे शर्मनाक दो बातें मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। सबसे पहले, नीमच के सांसद और इंदौर के विधायक मिलने जाते हैं और इंदौर के विधायक जानते हैं वहां जाके क्या कहते हैं पीड़ित की मां को? उन्हें कहते हैं कि धन्यवाद करो सांसद महोदय, आपसे मिलने आए हैं। ये कैसे राजनीतिक रहनुमा है हमारे, ये कैसे राजनीतिक रहनुमा है कि इनको धन्यवाद करना पड़ेगा, धन्यवाद करना पड़ेगा कि वो एक पीड़ित की मां से मिलने आए हैं। ये तुम्हारी संवेदनशीलता है कि पीड़ित तुम्हें धन्यवाद करे कि तुम उनसे मिलने आए हो? तुम खुदा हो? तुम खुदा हो क्या भाई? कहां के तुम हो, क्या हो तुम? वाकई सत्ता में बैठकर इस तरह का अहंकार, इस तरह का एरोगेंस, मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि वही एरोगेंस मुझे उत्तराखंड में दिखाई देता है जब त्रिवेंद्र सिंह रावत एक बेबस विधवा टीचर को धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं, उन पर पुलिस केस दर्ज हो जाते हैं और गिरफ्तार करने की धमकी दी जाती है। मैं यही तो आपसे जानना चाहता हूं, ये किस तरह का एरोगेंस है कि विधायक महोदय कहते हैं कि आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम आपसे मिलने आए हैं। और दूसरी बात, इसका ताल्लुक मंदसौर से नहीं है दोस्तों, आप एक नाम भूल रहे हैं, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। याद है वहां क्या हुआ था आज से 6 दिन पहले? 17 साल की मासूम संस्कृति राय का बलात्कार और उसकी हत्या कर दी गई थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोगों में से कितने लोगों ने संस्कृति के लिए आंसू बहाए हैं, कितने लोगों ने संस्कृति के लिए उसके मुद्दे को उठाया है? और आप जानते हैं क्यों नहीं उठा रहे हैं आप में से कुछ लोग? क्यों? क्योंकि अगर आप संस्कृति राय के साथ हुए बलात्कार और उसकी हत्या का मुद्दा उठाएंगे तो इसका सीधा ताल्लुक योगी सरकार से। दुखद बात यह है दोस्तों
कि अब हम बलात्कारों को खांचियों में बांटने लगे हैं और यह बतौर समाज हमारा परिवर्तन, हमारा पतन है। अगर टॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन कहती है ना कि यह देश महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित है, कुछ गलत नहीं कहती है, मैं उससे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि अब हम लोगों ने खांचियों में बांटना शुरू कर दिया बलात्कार को, और यह आपके लिए शर्म की बात है, यह आपके लिए शर्म की बात है। आप बताइए मुझे, क्यों नहीं आपने संस्कृति राय का मुद्दा उठाया, क्यों नहीं आप कैंडल मार्च लेकर निकलते हैं संस्कृति राय के पक्ष में? लखनऊ में आप नहीं उतरेंगे, बड़े बड़े लोग हैं, एक नौकरशाह की पत्नी है, सम्मानित पत्नी है, लोक गायिका है, वो कह रही हैं कि मंदसौर और कठुआ में सेक्युलरों को फर्क नहीं दिखाई देता, वो आक्रोश मंदसौर में नहीं दिखाई देता क्योंकि बलात्कारी जो है वो एक खास मजहब का है। जी नहीं, आप पहले खुद से सवाल पूछिए कि चूंकि आपके पति जो हैं वो एक नौकरशाह हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, लिहाजा आप संस्कृति राय का मुद्दा नहीं उठाएंगे, क्योंकि संस्कृति तो हिंदू है ना। मुझे अफसोस होता है दोस्तों जब मैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आपके सामने कर रहा हूं कि बलात्कारी और पीड़ित का मजहब इस तरह से मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं टेलीविजन पर इस तरह की बातें नहीं करूंगा, क्योंकि यह मेरा निजी मंच है, इसलिए यह दर्द मैं आपके सामने रख सकता हूं, क्योंकि वाकई अपने आप में बहुत दुखद बात है जब हम बलात्कार का मजहब, बलात्कारी का मजहब, पीड़ित का मजहब देखने लगते हैं और हम भूल जाते हैं, हम अपनी तरफ आईना करना भूल जाते हैं कि किस तरह से कठुआ में हमने बलात्कारियों के पक्ष में, आरोपियों के पक्ष में रैलियां निकाली थी, किस तरह से इंदौर के अंदर बीजेपी विधायक इंदौर से आते हैं, इंदौर से विधायक मंदसौर में मिलने जाते हैं और कहते हैं शुक्रिया अदा करो कि तुमसे सांसद महोदय मिलने आए हैं। अरे साहब शर्म कीजिए, शर्म कीजिए कि आप ऐसी बातें करते हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। आपका हम धन्यवाद नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश नंबर वन है महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर, आपका कोई धन्यवाद नहीं कर सकता, यह उपलब्धि आपकी है कि आज मध्य प्रदेश बदनाम है, धन्यवाद नहीं, आपको हम कटघरे में रखेंगे, और कटघरे में हर उस शख्स को रखा जाएगा जो अहंकारी है, जिसका अहंकार साफ तौर पर दिखाई देता है।